भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को कुचलकर एक तरफा जीत दर्ज की है, जबकि तीसरे अंतिम टी20 मुकाबले में बारिश नहीं रुकने की वजह से अंपायरों ने मैच खत्म करने का फैसला किया। डकवर्थ लुईस नियम के तहत मैच टाई पर खत्म हुआ। बता दें कि टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए 161 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बारिश की वजह से मैच रुकने तक भारत ने 9 ओवर में 4 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे। डीएलएस के तहत इसको 9 ओवर में 75 रन का था जो भारत ने बना लिया था। ऐसे में अंपायरों ने मैच को टाई पर घोषित किया। डीएलएस से टाई होने पर सुपर ओवर का मैच नहीं होता है। भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-0 से अपने नाम किया और इस तरह से हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तानी में न्यूजीलैंड टीम को उसी के घर में हराया। दोस्तों अब टी20 सीरीज खत्म हो गई है। दोस्तों जैसे उम्मीद के मुताबिक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को कुचल कर सीरीज अपने नाम कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है विस्फोटक बल्लेबाज शिखर धवन की, जिन्हें हार्दिक पांड्या की तरह कमाल दिखाना है और 3 मैचों की वनडे सीरीज जीतकर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था और वनडे सीरीज के लिए गब्बर यानी शिखर धवन को कप्तान बनाया गया, किंतु शिखर धवन को इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी मजबूत टीम है, टी20 का बदला वनडे सीरीज में जरूर लेगी और पूरा जोर लगा देगी भारतीय टीम को हराने के लिए। ऐसे में शिखर धवन को कप्तानी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी पर भी जोर देना होगा। तो अब बताते हैं भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ कब और कहां खेला जाएगा और क्या है टीम इंडिया का प्लेइंग 11। शिखर धवन ने वनडे सीरीज के लिए किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है? दोस्तों आपको बता दें, पहला वनडे मुकाबला 25 नवंबर से शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस सीरीज में 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहला वनडे ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस मुकाबले को आप कहां से देख सकते हैं, तो भारत में अमेजोन प्राइम टीवी पर देख सकते हैं। भाई दोस्तों, अब भारतीय टीम की इस मुकाबले में उन 11 भूखे शेरों की बात करते हैं जो पहले वनडे मुकाबले में शिखर धवन की कप्तानी में खेलते नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें, ओपनिंग में शिखर धवन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आएंगे। श्रेयस अय्यर टी20 सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन वनडे सीरीज में धमाल मचाना चाहेंगे। जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्या के धमाकेदार बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की टीम पहले से ही खौफ में है। वहीं पाँचवें नंबर पर उप कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पंत टी20 सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन वनडे सीरीज में उनको अपने आप को साबित करने का मौका होगा। वहीं छठे नंबर पर धवन उस खिलाड़ी को मौका दिया है जिसको ना तो रोहित शर्मा ने और ना ही हार्दिक पांड्या ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, कब से अपने बारी का इंतजार कर रहे संजू सैमसन को अब मौका दिया गया है। सातवें और आठवें पर शिखर धवन ने 2 ऑलराउंडर को मौका, जिसमें पहले दीपक हुड्डा और दूसरे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर। जबकि स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो चहल खेलते नजर आएंगे। तेज गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चहर और अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वनडे सीरीज जीते, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें।